आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर के मैदानी इलाकों और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। थाना अफजल क्षेत्र के गांव अगवानपुर की गौशाला में 3 से 4 फीट जल भराव हो गया है और गांव नारायणवाला और माधोवाला के बीच में धारा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। धारा नदी पर बने बांध से पानी धीरे धीरे पार होने लगा है। गांव वालों का कहना है कि बांध में रिसाव होने लगा है और पानी के तेज बहाव से यदि बांध टूट गया तो 10 से 15 गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। इसमें कहना क्या चाहेंगे, हर वर्ष में ही हम अपनी लखनऊ सरकार तक विभाग को हर बार सूचना देते रहते हैं, समय समय पर सूचना देते हैं कि ये बंदा क्षतिग्रस्त हो चुका और इस पर भाई कोई कार्य कराएं। और ये अधिकारियों संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या होता है, थोड़ा बहुत काम करा दिया, कुछ उधर करा दिया, किसी इधर करा दिया, लेकिन कोई ढंग से काम नहीं हो पाया। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रीतम सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीतम, चूंकि बारिश अब आफत बन चुकी है, बताया जा रहा है कि बांध जो है अब उसमें रिसाव की समस्या पैदा हो रही है और यदि वो बांध टूट जाता है तो 10 से 15 गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, इससे काफी लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल अब इस पर एक्शन लिया जा सकता है और व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है? जी मैम जी, आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना आजगढ़ क्षेत्र के धारा अमानगढ़ गांव कई गांव ऐसे हैं जो इस बंदे के टूटने से बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, जिससे लोग को काफी दिक्कत देखने लोगों के सामने मिल रही है, जिससे बच्चों को स्कूल में आया जाने में भी काफी दिक्कत आ रही है जी। और इस बंदे का स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस बंदे का जो है पानी वो धीरे धीरे रिस रहा है जी। जो टूटने के कागार पे है और इसमें प्रशासन इनके तरफ को ध्यान नहीं दे रहा है। कल एक गरीब वगैरह यहाँ पर आए संबंधित, उनको गाँव वाले ने उनसे मालूम कराया तो उन्होंने कुछ और जवाब नहीं दिया संबंध में जी। जी बिल्कुल प्रीतम, और जानना चाहूंगी क्या ग्राउंड स्तर पर आकर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं करने की कोशिश की, क्या यहाँ का हाल जानने की कोशिश की? क्योंकि अगर बात करें हम वहाँ पर आम लोगों की तो उनका जनजीवन ज्यादा प्रभावित हो रहा है इन सबसे। अभी कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, कोई जय वगैरह यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने ग्रामीणों ने उनसे मालूम करना चाहिए जिस समय, तो उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और अपनी बात को ऐसे नकार के वहां से चले गए जी। प्रीतम, स्थानीय लोगों का फिलहाल क्या कहना है वहाँ के? स्थानीय लोगों का मैम ये कहना है कि अगर ये बंदा टूट जाता है तो 10 से 15 गांव बाल्टी के पेट में आ जाएंगे जी। जो काफी साफ तौर से देखने को मिला है, इससे बंदे का पानी का रिसाव काफी तेजी से बढ़ रहा है, लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं पानी को रोकने के लिए, मगर पानी तेज घरी बारिश होने के कारण रुक नहीं पा रहा जी। जी बिल्कुल प्रीतम, और चूंकि ये देखना भी होगा कि प्रशासनिक अधिकारी कब तक यहाँ आते हैं, यहाँ का हाल जानते हैं उन्हें और यहाँ के आम जो लोग हैं उन्हें सुविधा मुहैया हो पाती है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए प्रीतम आपका शुक्रिया।